हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि सर्दी आ रही है, यानी कि आपको पता ही होगा कि सर्दी आने वाली है और मौसम भी ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, हमारी स्किन चटकने लग जाती है और उसके साथ साथ ही हमारी स्किन सांवली पड़ने लग जाती है। या यदि आपकी पहले से स्किन सांवली है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आप बोरो प्लस की सहायता से आप अपनी स्किन को जमा बना सकते हैं, आप अपनी स्किन को गोरा कर सकते हैं, आप अपनी स्किन का कालापन दूर कर सकते हैं और इससे आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी और काफ़ी गोरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का है, कमाल का है और सिर्फ 5 रुपये में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा घर पर ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको जो क्रीम है उसको निकाल लीजिए, बोरो प्लस को। और ये बोरो प्लस आपकी सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए, मैंने बोरो प्लस को ले लिया है और बोरो प्लस के अंदर मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर मिलाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है हमारी स्किन के लिए। तो मैंने एक साफ बाउल ले लिया है और इसके अंदर बोरो प्लस की मात्रा में ले लूँगा थोड़ी सी, जितनी आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकें। तो देखिए, मैंने इतनी मात्रा करीब इसके अंदर ले ली है बाउल के अंदर और इसको बंद कर देता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों, मुझे अगला क्या करना है, अगला है दोस्तों शहद यानी कि हनी। मैं आपको हनी की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ दोस्तों। ये हमारे जो खान पान की आदतें होती हैं उसके साथ साथ ही क्या होता है कि हमारी स्किन को ऑक्सीडाइज करने की काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काबिलियत होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो हमारा स्किन को साफ करता है, हमारे स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं उनको खोल देता है और हमारी स्किन को जो काले गंदा काला मैल होता है ना उसको निकाल देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, हमारी स्किन गोरी हो जाती है। तो इसकी थोड़ी सी मात्रा मैं ले लूँगा, देखिए इतना मैंने शहद ले लिया इसके अंदर। और दोस्तों, इसके बाद में जो तीसरा मेरा इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब जल, यानी कि जो कोई भी उसका होता है वो गुलाब जल के बिना अधूरा होता है। गुलाब जल गुलाब की पंखड़ियों से मिलकर बना होता है, जो कि काफ़ी हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है और हमारी स्किन को अंदर से ग्लो करने का काम करता है, यानी कि अंदर से चमक लाता है हमारी स्किन के अंदर। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी मात्रा लेनी है गुलाब जल की। आप गुलाब जल की 1 चम्मच मात्रा ले लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों, क्या करना है, अब आपको इन तीनों को अच्छे तरीके से पेस्ट को मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है और इसको कितनी बार लगाना है। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। ये नुस्खा ना सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और सर्दियों के अलावा भी जो लोग आगे पीछे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब सर्दियों के आगे और सर्दियों जाने के बाद भी और सर्दियों से आने के पहले भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नुस्खा है और काफ़ी कारगर है। तो इसको इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से जब मिक्स कर लेंगे इसको, तब आपको हम बताते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अभी हमारा इस तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या बताऊँगा आपको, आपको रुई लेनी है यानी कि कॉटन बॉल लेनी है। कॉटन बॉल की सहायता से आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से मैंने रुई ले ली आपकी थोड़ी सी और इसको इस तरीके से ले करके इस तरीके से देखिए, अब मुझे अपने हाथ पर या चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जो बोरो प्लस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो शहद के गुण होते हैं और जो गुलाब जल के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, गुण होते हैं, वो आपकी स्किन पर समा जाएंगे, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी और इसके साथ साथ ही आपकी स्किन काफ़ी गोरी हो जाएगी। तो आप अपनी स्किन पर इस तरीके से इसको लगा लीजिए और स्किन पर लगा करके इसको आप करीब 10-15 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए इस तरीके से। और 10-15 मिनट के बाद में ठंडे साफ पानी से इसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए या किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसको साफ कर लीजिए। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि आपकी स्किन काफ़ी गोरी हो गई है, काफ़ी ग्लो करने लग गई है और आपकी स्किन तक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है आपकी स्किन। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।